नमस्कार दोस्तों, आज हम डेटा कलेक्शन बोर्ड का उपयोग समझेंगे जो हमें आंकड़ों को एकत्र, व्यवस्थित और प्रदर्शित करके शिक्षार्थियों की पसंद जानने में मदद करता है और उन्हें वास्तविक जीवन का अनुभव देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित, आयोजित और उनका प्रतिनिधित्व करना है। इस किट में एक ग्राफ बोर्ड है जो 10 खंडों में बटा हुआ है, साथ ही 5 अलग अलग रंग के कुल 50 लिंकिंग क्यूब्स दिए गए हैं जो इस तरह से आप बोर्ड पर लगा सकते हैं। ये एक क्यूब एक यूनिट को दर्शाता है। इस बोर्ड पर हम मार्कर की मदद से लिख और मिटा भी सकते हैं। डेटा कलेक्शन बोर्ड को समझने के लिए हम गतिविधि की शुरुआत कुछ इस प्रकार करेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे विद्यालय ने खेल दिवस आयोजित किया है जिसमें अलग अलग खेल खिलवाए जाएंगे और यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने मनपसंद खेल में भाग लेगा। तो आइए कक्षा में बच्चों के पसंदीदा खेल जानने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करें। सबसे पहले हम इस जगह पर कुछ खेलों के नाम लिखेंगे। हमने पहले से इनको लिखकर रखा है। ये खेल कुछ इस प्रकार से होंगे: बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी। बाईं तरफ हम इस तरह से संख्याएं लिखेंगे। इस गतिविधि के लिए हम एक खेल को एक रंग के क्यूब से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन को नीले रंग से, कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ टेनिस को पीले रंग से, कुछ कुछ इस तरीके से, हॉकी को लाल रंग से, इस तरह से, क्रिकेट को सफेद, इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, और कबड्डी को हरे रंग के क्यूब से प्रदर्शित करेंगे, इस तरह से। यहां एक क्यूब एक बच्चे को दर्शाएगा। अब बच्चे एक एक करके आएंगे और अपने पसंदीदा खेल वाले खंड में एक क्यूब को रखेंगे। सभी बच्चों ने अपना पसंदीदा खेल इन क्यूब्स के जरिए इस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बैडमिंटन 7 बच्चों को पसंद है, टेनिस 3 बच्चों को पसंद है, हॉकी 7 बच्चों को पसंद है, क्रिकेट 10 बच्चों को पसंद है, और अब बात अगर करें हम कबड्डी की तो वो 5 बच्चों को पसंद है। इस प्रकार इस बोर्ड के माध्यम से हमने आंकड़ों को एकत्रित और आयोजित करना समझा। अब इस बोर्ड को देखकर क्या आप सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेल को बता सकते हैं? जी हां, क्रिकेट, वो खेल है क्रिकेट। अब ऐसे कौन से दो खेल हैं जिनको पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बराबर है और कितनी? हम देख सकते हैं कि बैडमिंटन और हॉकी दोनों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 7 है। कक्षा में प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हुए इस प्रकार के कई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं, या ऐसे कौन से दो खेल हैं जिनकी संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों के बराबर संख्या मिलेगी। पिछली बार हमने इन क्यूब्स को एक बच्चे के बराबर माना, परंतु इस एक क्यूब को 5 के बराबर मान लें तो मेरे पास मौजूद इस डेटा कलेक्शन बोर्ड को देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर कितनी कार हैं, कितने स्कूटर हैं, यहां कुल कितनी दोपहिया गाड़ियां हैं। इसी तरह से कक्षा में बच्चों की रोजाना की गतिविधि से उदाहरण लेते हुए हम कई और आंकड़ों को इस डेटा कलेक्शन बोर्ड के जरिए प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे उनके जन्म दिवस का महीना, उनकी मनपसंद आइसक्रीम, उनका मनपसंद विषय, उनकी आयु, विद्यालय से आने के लिए यातायात साधन आदि। इस तरह आप भी डेटा कलेक्शन बोर्ड के माध्यम से वास्तविक जीवन का अनुभव देकर विद्यार्थियों को आंकड़ों की व्याख्या करना बहुत ही सरलता और संवादात्मक तरीके से सिखा सकते हैं। धन्यवाद।